पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। सावन के पहले दिन राजधानी पटना समेत कई जिलों में बादल तो छाए लेकिन बारिश नहीं हुई। लेकिन आज मंगलवार को अरवल जहानाबाद जिले में मेघार्जन और वज्रपात का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मंगलवार की सुबह सुबह पटना में ठंडी हवा ने राहत दी। रविवार को पटना और आरा में मौसम बदलने से हल्की बारिश हुई थी, जिसके बाद चढ़ा हुआ पारा थोड़ा नीचे उतर गया था। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक पिछले 24 घंटे के दौरान उत्तर बिहार के कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम वर्षा और दक्षिण बिहार के एक दो भागों पर हल्की वर्षा दर्ज हुई है। रविवार को अच्छी तरह से चिन्हित निम्न दबाव का क्षेत्र ओडिशा पर बना हुआ था। सोमवार को ये उत्तरी छत्तीसगढ़ और आसपास के क्षेत्रों में निम्न दबाव के रूप में बदल गया। मॉनसून की अक्षीय रेखा समुद्र तल से 1.5 किलोमीटर ऊपर जैसलमेर, अजमेर, गुना और कम दबाव के क्षेत्र से होते हुए पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी तक फैला हुआ है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र से जारी अपडेट के अनुसार जैसे जैसे मौसमी सिस्टम कमजोर होगा, मानसून की अक्षीय रेखा ऊपर की ओर शिफ्ट करेगी। पश्चिमी हवाएं अरब सागर द्वारा बंगाल की खाड़ी होते हुए बिहार की तराई के क्षेत्र से गुजर रही है। अगले 24 से 36 घंटों में बिहार में वर्षा का विस्तार उत्तर बिहार की कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम, जबकि दक्षिण बिहार के एक दो स्थानों पर हल्की वर्षा होने का पूर्वानुमान है। बीते दिनों में बिहार में मॉनसून कमजोर पड़ गया है, जिसके कारण कई जगहों पर उमस भरी गर्मी का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। लेकिन आने वाले 24 से 36 घंटों में बिहार के कुछ जगहों पर हल्की तो कहीं मध्यम बारिश होने के आसार है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी पोस्ट लाइव।